24 भी डाउट है, देखेंगे। ओल्ड रेशियो 3:2:1। गुडविल इज अपेयरिंग इन द बुक्स, तो अपेयरिंग इन द बुक्स क्या होता है? एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल विल ऑलवेज बी रिटन ऑफ इन द ओल्ड रेशियो, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। और फिर बाकी तो नॉर्मल बात है, गुडविल इज वैल्यूड एट 84,000, न्यू रेशियो इज 2:1। एंट्रीज थ्रू गुडविल अकाउंट मतलब यूजिंग गुडविल अकाउंट मतलब बाय रेजिंग गुडविल, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब होता है बाय रेजिंग गुडविल। गुडविल रेज हो जाएगी ओल्ड रेशियो में 3:2:1, राइट ऑफ हो जाएगी 2:1 में। बस एक एडिशनल एंट्री आ गई कि 60,000 के जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो सारे ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है ना, वो ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ, ओल्ड रेशियो में तो राइट ऑफ होती है ना गुडविल एग्जिस्टिंग, तो मतलब एक्स वाई जेड तीनों में वो राइट ऑफ हो जाएगी। इजी है, कर लेंगे प्लीज। चलो 25th क्या कहता है, काफी लोगों का डाउट है। 25th, राजू अमित एंड चंदर, सुनने पे ध्यान देंगे। राजू अमित एंड चंदर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। तो क्या है जी ये ओल्ड रेशियो। गुडविल अपेयर्ड इन द बुक्स, अपेयर्ड इन द बुक्स 150, तो ये क्या हो गई एग्जिस्टिंग गुडविल। अमित डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, अमित गॉन। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 6 लाख। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड बिटवीन राजू एंड चंदर, कहानी में ट्विस्ट। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ टू द एक्सटेंट। अभी तक क्या करते थे हम, फर्म की गुडविल रेज करते थे, फर्म की गुडविल राइट ऑफ करते थे, टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनरशिप। चलो पहले एक नंबर तो ले लें, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर लेते हैं। गुडविल अपेयर्ड इन द बुक्स एट 150,000, तो राजू अमित चंदर 5:3:2। राजू अमित चंदर टू गुडविल, कितनी एग्जिस्टिंग गुडविल 150, एंड ओल्ड रेशियो इज 5:3:2, मतलब 10 मतलब 15, 15 5 15 3 15 2। क्लियर? अब ध्यान से देखना, ये तो एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ हो गई। अब वर्क नोट नीचे होने चाहिए, तो नीचे कर देते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज दे रखी है ना 6 लाख, और कौन रिटायर हुआ, अमित। अमित का शेयर क्या है 3/10, अमित शेयर इज 1,80,000, तो क्या 180 से कुछ करा इन्होंने राइट ऑफ, तो चलो ठीक है। अब ये तो खत्म हो गया रेजिंग गुडविल, वही 180 से करा ना, मतलब उसका शेयर निकाला, उसके शेयर से रेज हुआ और राइट ऑफ हो गया। जब सिर्फ उसी का शेयर रेज हो रहा है, सिर्फ उसी को मिलेगा, जब सिर्फ उसी का शेयर रेज हो रहा है, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब कोई और सैक्रिफाइस ना कर रहा हो। कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा वो तो। राजू कोई नॉर्मली तो हो जाता है, तो ठीक है फिर न्यू रेशियो वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। फिर कैसे कवर हो जाएगा, रेज रिटर्न ऑफ, रेज में तो हमने उसको लिया ही नहीं पहली बात तो, मतलब रेज एंड रिटर्न ऑफ उसके शेयर में, हाँ ठीक, तो फिर वो यूज हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखना कैसे, पहले रेशियो निकालते हैं ना, उससे क्लैरिटी आएगी कौन है पार्टनर्स, ये डिफरेंट है। अमित क्या था नाम दूसरा, अमित तो दूसरा है ना, राजू अमित चंदर 5:3, पहले गेन निकालते हैं इसका, गेन और सैक्रिफाइस ना, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। राजू अमित एंड
चंदर, 5:3:2, कौन गया? अमित गया। न्यू रेशियो इज 2:1, 2:1 है कुछ और है, 2:3, तो गेनिंग रेशियो इज, सुनने पे ध्यान देंगे, गेनिंग रेशियो इज न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। क्यों? गेनिंग रेशियो इज न्यू माइनस ओल्ड, तो राजू का क्या आया? राजू का आया न्यू रेशियो 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो 5/10। एक सेकंड, ओल्ड रेशियो इज 2/5, न्यू रेशियो 2/5 माइनस 5/10, 10/5, 4 - 5 माइनस 1/10, ठीक है जी। ये हो गया राजू, और दूसरा कौन है? चंद्र है। ये 3/5 माइनस 2/10, 5, 2, 2, 3 = 6 माइनस 10। टू थ्री दस सिक्स माइनस 2, 4/10, तो गेनिंग इसका नेगेटिव आया, तो ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है, राजू भी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो चंदर शेयर क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म इज 6 लाख, 2,40,000। ये क्या कर रहा है? गेन। और वो क्या है, बचा कौन? राजू। राजू शेयर ऑफ गुडविल 1/10, 60,000। ये तो गेन कर रहा है ना, डेबिट क्रेडिट। टेक्निकली रेज एंड रिटर्न ऑफ में ध्यान से देखना, हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब मैं लॉजिक पे जा रहा हूँ अब ना, एंट्री कंपेयर कर लेंगे, चेंज कर देंगे लॉजिक का क्या है, ठीक है ना। अभी तो वो कि जो लॉजिक के हिसाब से होना चाहिए, कि अगर उन्होंने बोला सिर्फ उसका शेयर रेज करो, इतना तो बोला ना उन्होंने, तो वो तो करें पहले। तो उसकी एंट्री हो गई गुडविल टू, कौन है रिटायरिंग? अमित, 180, ये हो गई रेस। अब क्या करें? अभी रेस तो हो गई, छोड़ नहीं सकते, वो तो पार्टनरशिप एक्ट ने बड़ी क्लियरली बोल दिया कि एग्जिस्ट, मतलब बेसिकली सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक। ये सेल्फ जनरेटेड ही तो है, ये कोई परचेज गुडविल तो है नहीं, तो इसको राइट ऑफ तो करना पड़ेगा। तो ये जो एसेट क्रिएट हुआ, ये राइट ऑफ तो होगा, और किसके थ्रू होगा? गेनिंग। तो कौन है गेनिंग? चंदर। चंदर्स कैपिटल 2, गुडविल 2, अमित सैक्रिफाइस कर रहा है ना, उसको भी वो कह रहा है भाई मुझे तो कुछ दो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, इसको कॉम्पनसेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अमित कैपिटल अकाउंट, चंदर कितना? 240, 180, 60 आया था इसका। अब नेट इम्पैक्ट समझो, अमित रिटायरिंग पार्टनर है, उसको 180 मिलने चाहिए थे उसका शेयर ऑफ गुडविल, मिल गया? मिला कि नहीं मिला? क्रेडिट हो गया, उतने से उसकी कैपिटल बढ़ गई। अब गुडविल कॉम्पनसेशन कौन देगा? गेनिंग पार्टनर देगा, तो चंदर को हमने डेबिट कर दिया, चंदर से रिकवरी हो गई। अमित ने कहा कि भैया 110 तो मैंने भी सैक्रिफाइस करा है, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, उसको क्रेडिट कर दिया। अमित का तो हो गया ना, गलती से मैंने राजू लिख दिया है, अमित का तो हो गया ना, हाँ वो गलती से, वो तीसरे पार्टनर का नाम आना था, इतनी गलतियां कर सर।
मतलब समझ गए ना भावनाओं को, ये तो अभी हमने कैलकुलेशन कर ही ली थी। चल हम हमारी भी तो समझा करो भावनाओं को, फिर हमारी बारी में क्या होता है। राजू, ठीक है ना, ये राजू की जो कैलकुलेशन थी वो यहाँ पे राजू, ए राजू, ठीक है जी। अब कौन है फ्रेंड, गुडविल रेज हुई, ठीक है, राइट ऑफ हुई, ठीक है। तो ये होते हैं टिपिकल क्वेश्चन, इन्हें कहते हैं, इनको इनका नाम दिया जाता है, इनकी कैटेगरी है टिपिकल क्वेश्चंस। टिपिकल क्वेश्चन मतलब अलग से क्वेश्चंस। तो अलग से क्वेश्चंस आप एग्जाम में तभी कर पाओगे जब आपने अलग से कर रखे हैं, मतलब ये नॉर्मल डे टू डे वर्किंग में नहीं है, इन द सेंस कि आपने सारे कॉन्सेप्ट कर रखे हो तो भी नहीं कर सकते आप टिपिकल क्वेश्चन। टिपिकल क्वेश्चन तभी कर सकते हो जब आपने वो कर रखे हैं, थोड़ा सा वो ऑफ द ट्रैक या आउट ऑफ द वे जाके दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है। अब यार खत्म हो गया रेज एंड रिटर्न ऑफ, तो अब कोर्स में है या नहीं है मैं उस पर दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है ना। 5-6 क्वेश्चन होते हैं 50 में से, करके खत्म करो, करके खत्म करो, उस पर दिमाग ही मत लगाओ कि वो है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा। हाँ ये वेरिएशन एक दो अजीब अजीब से आ जाती हैं जो मुझे खुद ही नहीं पता, तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ, समझ आ रही है बात, कि वो इतनी अजीब है कि देख ही पहली बार रहा। तो बस कुछ कुछ किताबें बिकने के लिए वो कुछ भी अजीब सी चीज़ डाल देते हैं कि ऐसा इसमें ना ये है, वो काम का है कि नहीं है, मैं कह रहा हूँ उस पर इन्वेस्टिगेशन में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। खत्म।